हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स बाय सुभाष सर। बच्चों, आज हम स्टैंडर्ड 11 चैप्टर नंबर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं। 11th एंड 12th साइंस के लिए ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 11th एंड 12th साइंस के सभी चैप्टर में आप लोग 3 से 4 नई नई फिजिकल क्वान्टिटीज पढ़ोगे। अब उस फिजिकल क्वान्टिटीज़ का यूनिट कैसे डिराइव करना वो आपको आना चाहिए, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे डिराइव किया जाए वो भी हमें पता होना चाहिए। तो वो सब हम यहाँ पे इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। स्टूडेंट्स, रोजाना आप कई सारी इन्फॉर्मेशंस मेजर करते हैं। आपको पता ही होगा कि कुछ भी इन्फॉर्मेशन मेजर करने के लिए प्रॉपर फिजिकल क्वांटिटी होना ज़रूरी है। सिर्फ फिजिकल क्वांटिटी से काम नहीं चलेगा, उस फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है। एक एग्जांपल देता हूँ। लेट सपोज आप क्रिकेट खेलने जाते हो। क्रिकेट में जो बॉल या बैट यूज होता है वो कितना हैवी है वो मेजर करने के लिए आप एक फिजिकल क्वांटिटी यूज करते हो, वेट या फिर मास। बॉलर बॉल थ्रो करता है तो वो बॉल की मोशन कितनी फास्ट है, कितनी स्लो है वो मेज़र करने के लिए भी एक फिजिकल क्वांटिटी चाहिए, जिसको हम बोलते हैं स्पीड या फिर वेलोसिटी। बैट्समैन को अगर बॉल हिट करना है तो उसको फोर्स लगाना पड़ेगा, तो वो फोर्स भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। हिट करने के बाद वो बॉल कितनी दूरी तय करता है वो दूरी मेजर करने के लिए भी एक फिजिकल क्वांटिटी चाहिए, जिसको हम डिस्टेंस या फिर लेंथ बोलते हैं। बस ऐसे ही कई सारी फिजिकल क्वांटिटीज, उसके यूनिट कैसे डिराइव करें, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे डिराइव करें, उसी के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। जैसे कि हमने आगे फिजिकल क्वांटिटीज की बात की, ऐसे ही फिजिकल क्वांटिटीज मिलके यूनिट सिस्टम्स बनाती है। ऐसे कुछ यूनिट सिस्टम्स की बात करें तो CGS यूनिट सिस्टम, जिसमें लेंथ मेजरमेंट सेंटीमीटर, मास मेजरमेंट ग्राम एंड टाइम मेजरमेंट सेकंड में हो रहा है। FPS यूनिट सिस्टम, जिसमें लेंथ मेजरमेंट फुट, मास मेजरमेंट पाउंड एंड टाइम मेजरमेंट सेकंड में हो रहा था। देन MKS यूनिट सिस्टम, जिसमें लेंथ मेजरमेंट मीटर, मास मेजरमेंट किलोग्राम एंड टाइम मेजरमेंट सेकंड में हो रहा था। लेकिन ये सारे यूनिट सिस्टम निकल के 1971 में IUPAC ने एक फाइनल यूनिट सिस्टम दे दी, जिसका नाम है SI यूनिट सिस्टम, जिसका फुल फॉर्म है सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स। इस SI यूनिट सिस्टम में 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज रखी हुई है। वो फंडामेंटल क्वांटिटीज, उसका यूनिट्स और उसके सिंबल्स मैंने यहाँ पे इस टेबल में दिखाया हुआ है। लेंथ की बात करें तो फंडामेंटल क्वांटिटी लेंथ, उसका यूनिट है मीटर और उसका सिंबल है स्मॉल m। मास, उसका यूनिट है किलोग्राम जिसका सिंबल है kg। टाइम मेजरमेंट का यूनिट है सेकेंड और उसका सिंबल है स्मॉल s। इलेक्ट्रिक करंट, जिसका यूनिट है एम्पियर और ये यूनिट साइंटिस्ट के नाम के ऊपर से आया है, इसलिए इसका सिंबल कैपिटल में लिखा गया है, इसलिए इसका सिंबल है कैपिटल A। टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए यूनिट्स है केल्विन, ये भी साइंटिस्ट के नाम के ऊपर से आया है, इसलिए इसका सिंबल कैपिटल K। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसका ज्यादातर यूज केमिस्ट्री में होता है, उसका यूनिट है मोल और उसका सिंबल है MOL। नेक्स्ट ल्यूमिनस इंटेंसिटी, कोई भी लाइट की इंटेंसिटी कितनी है वो मेजर करने के लिए कैंडेला यूनिट का यूज होता है और उसका सिंबल है CD। इस 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के अलावा 2 और फिजिकल क्वांटिटीज दी गई, जिसके बारे में अगर बात करें तो उसमें से फर्स्ट है प्लेन एंगल। ये जो फिजिकल क्वांटिटी है वो 2 डायमेंशन के लिए अप्लाई हो सकती है। लेट सपोज कोई एक सर्कल का मैंने थोड़ा सा आर्क कट कर दिया है। यहाँ पे जो मैंने आर्क कट किया हुआ है उसकी लेंथ है ds। वो जो सर्कल है उसका सेंटर अगर O हो
और अगर इस आर्क को सेंटर के साथ जोड़ा जाए तो सेंटर के पास डी थीटा जितना एंगल बन रहा है। इस सर्कल की रेडियस आर है, तो फिजिकल क्वांटिटी डी थीटा, उसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से है, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, दैट मींस प्लेन एंगल डी थीटा इक्वल टू आर्क डी एस अपॉन रेडियस ऑफ सर्कल आर। इक्वेशन याद रखना है, कई जगह पे इसका डायरेक्टली यूज करेंगे। प्लेन एंगल का यूनिट है रेडियन और उसका सिंबल है आर ए डी। सेकेंड फिजिकल क्वांटिटी इज सॉलिड एंगल। ये फिजिकल क्वांटिटी थ्री डायमेंशन के लिए अप्लाई हो सकती है। लेट सपोज कोई एक स्फीयर है, स्फीयर में से कोई छोटा सा पार्ट कि जिसका एरिया है डी ए, उसको मैंने कट कर लिया है। अब ये डी ए एरिया ने सेंटर ओ पे कुछ डी ओमेगा जितना एंगल बनाया है। इस स्फीयर की रेडियस आर है। देखने में इसका शेप आइसक्रीम कोन जैसा दिखता है। इसके लिए सॉलिड एंगल के लिए सॉलिड एंगल डी ओमेगा का फॉर्मूला होगा एरिया कवर बाय दिस सरफेस, दैट मींस डी ए डिवाइड बाय स्क्वायर ऑफ द रेडियस आर स्क्वायर। तो सॉलिड एंगल का इक्वेशन हुआ डी ओमेगा इक्वल टू डी ए डिवाइड बाय आर स्क्वायर। सॉलिड एंगल का यूनिट टी रेडियन है और उसका सिंबल है एस आर। स्टूडेंट्स, हमने जो ऐसा यूनिट सिस्टम में फिजिकल क्वांटिटीज देखी, उसको फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज एंड उसके यूनिट्स को फंडामेंटल यूनिट्स बोलते हैं। लेकिन बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी है कि जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज का यूज करके बनाई जाती है, तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को डिराइव क्वांटिटीज बोलते हैं और उसके यूनिट्स को डिराइव यूनिट्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वेलोसिटी एक डिराइव फिजिकल क्वांटिटी है, जो लेंथ एंड टाइम ये दोनों फंडामेंटल क्वांटिटीज का यूज करके बनाई गई है। तो वेलोसिटी डिराइव क्वांटिटीज हुई। स्टूडेंट्स, 11th एंड 12th में आप कई सारी डिराइव क्वांटिटीज पढ़ोगे। फॉर एग्जाम्पल, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, एनर्जी, चार्ज, पोटेंशियल एक्सेट्रा।